जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, वक्त कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, उनको बैठ के कोसो मत। उनको बैठ के ये मत सोचो मेरा वक्त अच्छा नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं है। नहीं, आपको अपना वक्त बदलना होगा, आपको अपने हालात बदलने होंगे। ये काम कोई और आपके लिए नहीं करने आने वाला, आपको ही अपने लाइफ का संघर्ष करना होगा और सफलता पानी होगी। जिस दिन आपके हाथ में आपकी गोल यानी कि आपकी जॉब होगी, उस दिन आपका वक्त भी अलग होगा, उस दिन अपने हालात भी अलग होंगे। सो कोई बहानेबाजी बिल्कुल मत बनाना अपने आप में संघर्ष करने के लिए। ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। नहीं डियर, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास, उन्हीं के रहते, उन्हीं के दम पर आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करो। इतिहास गवा रहा है, यूपीएससी के रिजल्ट में ज्यादातर वो कैंडिडेट रहते हैं जो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सच्ची लगन के साथ मेहनत करते हैं। सो याद रखना, उस इतिहास की आवाज को पहचानना। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी डियर स्टूडेंट्स का वेलकम करता है। आप सभी को हाय हेलो। ये वाला हाय हमारे ऐप वाले बच्चों के लिए, ये वाला हाय हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो आइए डियर स्टार्ट करते हैं। और मैंने पोस्टर स्टार्टिंग में थोड़ा सा साइड में ये लगाया है क्योंकि आज हमारी जो है डेमो लास्ट क्लास है। अब मैक्सिमम जो है फिर मंडे को जो हम अगली क्लास, क्योंकि शनिवार इतवार आपकी छुट्टी रहेगी, मंडे को जो क्लास होगी फिर वो पेड ही होगी। बस ये लास्ट क्लास है जो यूट्यूब पर चल रही है और ऐप पर भी जो है चल रही है। फिर हमारी सिर्फ ऐप पर क्लास होगी, इसके बाद कोई डेमो क्लास नहीं होगी। एडमिशन्स आपके ओपन रहेंगे, सैटरडे संडे और ओपन रहेंगे मैक्सिमम, मंडे से वो एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बैच का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने बोला था 9 सितंबर से हमने इसकी शुरुआत की थी, टॉपिक 10 से हमने शुरुआत की थी डियर। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको शेयर किया है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, तो इन चीजों को माइंड में रखना। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है अपनी सीट फटाक से रिजर्व करें। ठीक है डियर, चलो अब एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल करें और आगे चीजों को सीखने के लिए तैयार हो जाएं। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो भाई, अगर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाऊं तो एक बार मैं पहले उसका स्ट्रक्चर्स तैयार कर लेता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिकली स्ट्रक्चर्स कैसे तैयार होंगे, वो स्ट्रक्चर्स एक बार तैयार कर लेते हैं। तो इसका हम करते हैं सबसे पहले बेसिक पार्ट। इसका मतलब बच्चे, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक पार्ट करा दूं, उसके बाद ही मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वहां से। ठीक है, चलो ध्यान से देखना जरा बच्चे। अगर हम बेसिक पार्ट की बात करें तो बेसिक पार्ट में आप सेंटेंस के टाइप के हिसाब से, सेंटेंस के टाइप के हिसाब से आप चीजों को समझना। भाई आपको बचपन से पता है एक सेंटेंस का टाइप होता है अफर्मेटिव। इतना बेसिक मेरे बच्चे हर स्टूडेंट का तैयार है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव, समझते हैं ना, जिसे आप हां वाले सेंटेंसेस बोल देते हैं, नेगेटिव जिन्हें आप ना वाले सेंटेंसेस बोल देते हैं, इंटरोगेटिव जिन्हें आप क्या वाले, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बोल देते हैं। तीनों में स्ट्रक्चर अलग अलग चलेगा, उसके हिसाब से ध्यान देना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ और आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ तो आप उसमें क्या देखते हैं, आप उसमें एक सब्जेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, आप सब्जेक्ट को यूज करते हैं, प्लस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्लस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और फिर प्लस आप उस वर्ब का जो आगे ऑब्जेक्ट आना है वो यूज कर लेते हैं। ऐसा आप तब यूज करते हैं डियर, ऐसा आप तब यूज करते हैं जब ये सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट हो या ये सब्जेक्ट अपने आप में आई हो। अभी इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, या तो ये सब्जेक्ट अपने आप में आई हो या ये सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल हो। तो कल ही मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन में सिखाया था, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फर्स्ट फॉर्म देखते ही आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट। क्या वो आगे कोई एक्शन को डिफाइन कर रही है? नहीं सर, तो वही हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसके आगे कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं है। ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आप लगा के छोड़ते हो, और इस फर्स्ट फॉर्म को ही हम अपने आप में, कल मैंने सिखाया था, प्लूरल वर्ब बोल के चलते हो, प्लूरल वर्ब बोल के चलते हो। कहानी में दूसरा ट्विस्ट यह है, अगर आपके पास सब्जेक्ट हुआ,
आपने बोला बिल्कुल सर, बट वो सब्जेक्ट डियर हुआ सिंगुलर। बेटा जहां SL लिखूंगा वो सिंगुलर, जहां PL लिखूंगा वो प्लूरल होगा। तो अगर ये है तो इसके साथ फिर वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। और वो सिंगुलर वर्ब क्या होगी, वो सिंगुलर वर्ब मैंने कल सिखाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आप एस या ES सफिक्स करते हैं। बेटा प्रीफिक्स सफिक्स आपको बचपन से पता है। उसके बाद आगे जो भी रामायण हो, जो भी ऑब्जेक्ट हो, आप लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, हर एग्जाम में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आती हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दे सिंग या सिंग्स अ सॉन्ग फॉर देयर फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है ना वहां, फॉर देयर फ्रेंड्स। तो एक सेंटेंस सपोज मैंने आपके लिए ये लिख दिया, तो मुझे सोच समझ के जरा बताएं, सिंग आएगा सिंग्स आएगा, फटाफट आंसर। आपने बोला सर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, हाँ, तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अगर वो प्लूरल होगी तो सिंग आएगा सिंग्स नहीं आएगा। एग्जाम है बेटा, हर तरीके से हर लेवल पे वो क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेगा, आपको टेंशन लेने की कोई लोड नहीं आएगी। सो बड़ी निक्की जी गल हैगी, निक्की जी गल ई हैगी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो तुसी यूज कर ली प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज कर ली है जी कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आगे देखते हैं। अगर मैं यहां पर ही लिख दूं और ही वॉन्ट या वॉन्ट्स, ही वॉन्ट या वॉन्ट्स एन एप्पल, अगर हम इसको लिखें तो हमें सिंपल सी बात समझ आती है, सर ही है, हाँ, तो वॉन्ट्स नहीं आए, वॉन्ट नहीं आएगा, वॉन्ट्स फिर आपको वहां यूज करना होगा। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब आपने चीजों में क्या ध्यान देना है। अगर मैं आई लिखता हूं तो आई में कहानी में ट्विस्ट है बच्चे कि आई वॉन्ट्स होगा या आई वॉन्ट एन एप्पल होगा, आई वॉन्ट एन एप्पल या आई वॉन्ट्स एन एप्पल। तो यहां कहानी में क्या ट्विस्ट है, वो कहानी में ट्विस्ट भी क्यों, वो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। लैंग्वेज में आई को एक अलग ही तरीके से जो है ट्रीट किया गया है, एंड द रीजन बिहाइंड इट, डियर जो आई होता है ना वो आई स्पीकर होता है, ध्यान से सुनना बेटा, जो आई होता है वो लैंग्वेज में क्या होता है, स्पीकर होता है, भाषा को बोलने वाला होता है। ठीक है, तो जब आई के साथ वॉन्ट्स था, जब आई के साथ उन्होंने यूज किया आई वॉन्ट्स एन एप्पल, ऐसा यूज नहीं किया गया। आई के साथ कहानी में यह ट्विस्ट था कि उसके साथ भी वॉन्ट आया। ठीक है, अब टेंशन लेने दी लॉड ये हैगी कि अगर आई के साथ वॉन्ट है तो ये तो प्लूरल वर्ब है, हां सर, बट सर ऐसा क्यों कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है, अरे आई तो एक ही जन है, उसके साथ सिंगुलर क्यों नहीं लगाई। उसका रीजन यही था कि लैंग्वेज है डियर, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। लैंग्वेज में देखा जाता है कि बोलते टाइम भी आप किस चीज में कंफर्टेबल होते हैं, जब आप बोलते हैं, ठीक है, तो वो किस चीज में आप चीजों को लेकर कंफर्टेबल होते हैं। सो बोलते टाइम जब अपने आपको स्पीकर रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपना नाम नहीं ले रहा होता, वो आई बोल के अपने आपको रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो आई का एक स्पेशल ख्याल रखा गया है क्योंकि लैंग्वेज में सबसे ज्यादा अहमियत अपने आप में स्पीकर रखता है। तो जब आई के साथ वॉन्ट्स लगाया तो बोलते टाइम उन्हें वो चीज बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगी और उन्होंने उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज की, जैसे आपने बोला आई वॉन्ट एन एप्पल, आई वॉन्ट एन एप्पल। ध्यान से सुनना, ये चीजें शॉर्टकट के लिए, एक फ्लो मेंटेन करने के लिए लगाई गई हैं, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लेना, एक फ्लो मेंटेन करने के लिए। इसलिए कभी दिमाग में सोचा है बेटा, जब आई स्पीकर को दिखाता है, जब आई स्पीकर को दिखाता है तो कभी सोचो उसके लिए यार इतनी क्या जद्दोजहद उठानी पड़ गई कि उसके लिए स्पेशल एम बनाया गया, समझ रहे हो बच्चों, उसके लिए स्पेशल एम बनाया गया ना भाई। अगर मैं कहता हूं आई एम अ टीचर या आई इज अ टीचर, मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर अगर आई स्पीकर को दिखा रहा है, तो फिर बच्चे आपको एम लगाया, उसके लिए एम क्यों बनाया, क्योंकि कंफर्टेबल है। देखो आई एम, तो ये एम जब आप बोलते हो तो इसी में खो जाता है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम आर टीचर, आपको ऐसे ही बोलने की जरूरत नहीं है। हम स्पोकन में क्या बोलते हैं, आई एम अ टीचर। सो इस रीजन को याद रखना, बच्चा ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता है कि सर आई के साथ ही प्लूरल क्यों लगाया जाता है, तो याद रखना इसका रीजन, आई स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है तब ऐसा होता है।
आई जब स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है तब ऐसा होता है, भले ही वो सिंगुलर है, ठीक है। बट बोलने में, जबान में आप कंफर्टेबल किस चीज में रहते हो, इसलिए उसका स्पेशल ख्याल रखा गया है। और वो ख्याल ही है, और वो ख्याल ही है जो ऐसी चीजें बनाई गई है। वरना आप खुद से सोचो, अगर मैं एक आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, आई इज या एम अ टीचर, अब मैं इसमें क्या यूज करूंगा? सो डियर, अब मैं इसमें यूज करूंगा इज नहीं एम, क्योंकि ये जो आई है ये अपने आप में स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई एम अ टीचर, आई एम टीचर। अब देखो इसको एक साथ बोल जाओगे आप, कैसे? इसको आप ऐसे बोलने की कोशिश करो बेटा जैसे ये ऐसे लिखा हो। इसको आप ऐसे बोलोगे ना तो आप वही साउंड करोगे जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो ऐसे बोलते हैं। इसको रीड करना एक बार, आई एम अ टीचर, आई एम टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। वो ऐसे नहीं बोलते हमारी तरह आई एम अ टीचर, वो बोलते हैं आई एम अ टीचर। तो इसको इसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, इस चीज में याद रखना। इसलिए आई स्पीकर होता है, उसका कंफर्टेबल जोन उसको दिया गया है, उसका ध्यान रखा गया है। ठीक है जी, चुटकुलाल समझ आती है? चलो बेटा अब आगे की बातचीत करते हैं। आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता चल गया, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के। कॉपी करें, बहुत कम मैं समय दूंगा क्योंकि आपके पास चीजें सेव रहेंगी बेटा क्लास आपके पास, तो बाद में भी आप कॉपी कर सकते हो और या साथ साथ कॉपी करके चल सकते हो। ठीक है जी, एक बच्चा कह रहा है सर स्क्रीन से टाइम हटा दो। बेटा ये टाइम इसलिए लगाया गया है, एक दो बच्चे में दिमाग में ना भूसा भरा होता है, उसको लगता है रिकॉर्डेड क्लास चल रही है तो उनके लिए प्रूफ चलता रहे, ये उनके लिए लगा रखा है बच्चे। ठीक है जी। अच्छा एक जो नए बच्चे हैं पूछ रहे छुटकू कौन है। छुटकू बेटा प्यार से बोला जाता है, जो छोटा बच्चा होता है ना, जो क्यूट से बच्चे होते हैं छोटे छोटे, हम उनको ऐसे नहीं बोल देते छुटकू। तो तुम्हारी, तुम क्यूट क्यूट से बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें छुटकू बोल देता हूं भाई। ठीक है, देखिए मेरे भाई अब आगे की बातचीत करते हैं, ध्यान से सुनो। अब मैंने आपको क्या बोला, आई मैंने आपको क्या बोला बेटा, जब आई, अभी वही स्टेप चल रहा है, जब आई अपने आप में स्पीकर होता है तो उसका स्पेशल ख्याल रखा गया है और उस चीज का आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, उस चीज का आपको भी ध्यान रखना है कि जब आई स्पीकर को रिप्रेजेंट करेगा तो आप उसके साथ एम लगाओगे, आप उसके साथ इज नहीं लगाओगे। अभी यही तो बात की मैंने, सही। बट कहानी में जरा ट्विस्ट है, याद रखना अगर आई, हां सर, आई अपने आप में आई को ही रिप्रेजेंट करे, ठीक है, आई अपने आप में आई को ही रिप्रेजेंट करे तो बेटा कहानी में ट्विस्ट है, फिर आई के साथ आप इज लगाओगे, फिर आप एम मत लगाना। देखो कहानी में क्या ट्विस्ट है, क्योंकि वो स्पीकर के लिए ध्यान रखा गया है, आई के लिए ध्यान नहीं रखा गया है। कहानी को समझो, अगर मैं ये बोल दूं आई इज या एम यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पीकर, ठीक है बेटा, मैंने एक ये बात लिखी, फिर दूसरा देखो आई इज या एम अ लेटर, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अब आप क्या करोगे, क्या तुम यहां एम लगाते हुए अच्छे लगोगे, वो भी इस उम्र में, शर्म आएगी तुम्हें, आई एम अ लेटर, आई एम अ लेटर। बेटा जब आप ए बी सी डी एफ जी एच और क्या लिखते हैं आई, तो जब तुम ये आई लिखते हो पगले तो ये आई लेटर हुआ। हां तो मैं ये बोल दू आई एम अ लेटर, अरे आई एम अ लेटर का मतलब क्या पता है क्या, वो मैं लेटर हूं। अरे मैं लेटर कहां से हो गया यार, मैं तो टीचर हूं, मैं लेटर कैसे हो गया, तो कौन है लेटर? तो बेटा यहां ध्यान से सुनना, मैं इस बात में ये बोल रहा था आई आई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीकर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो फिर उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। उसको बोला भाई साहब ये सब चोचलेबाजी हटाओ, मैंने बोला फिर क्या करे, चुपचाप सेज लगाओ, यहां एम नहीं आ सकता। ठीक है, खिड़की खुली, समझ आ रही है चीजें। दूसरा सुनो बेटा, अब यहां सोचो आई इज या एम यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर, मैं ये बोल दूं आई एम यूज्ड, मेरा इस्तेमाल किया जाता है स्पीकर को दिखाने के लिए, ओए मेरा क्यों इस्तेमाल करोगे? तुम बोलोगे भाई साहब एक काम करो इधर आ जाओ, कहता क्या हुआ, कहता चलो आपका इस्तेमाल करना है स्पीकर को दिखाएंगे,
अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, इंसान का इस्तेमाल थोड़ा ना हो जाएगा वहां। तो आई बच्चे यहां स्पीकर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वरना देखो कितना गंदा लगे, आई एम यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर। ये तो बकवासबाजी हुई। इसका मतलब यहां ऐसा नहीं है, आई इज यूज, आई जो लेटर है ये लेटर इस्तेमाल किया जाता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक स्पीकर। तो बेटा पेपर में एम मत चिपका देना, कहा तुम अपने झंडे वहां पे काट दो, रट के चले जाओ, आई के साथ तो एम आता है, आई के साथ एम तब आता है जब बच्चे वो स्पीकर को दिखाए। अब चलो, अब मैंने आपके लिए यहां पे बोला आई इज या एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड। अब बता दो छुटकू जी, क्या आपके हिसाब से आना चाहिए, आई इज या आई एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड? झटाक से आंसर करो। वेरी गुड। तो बच्चे यहां पे आना चाहिए आई एम रेडी, इज नहीं। अगर इज लगाओगे तो आई लेटर मदद करने जाएगा उसकी, कहता है वो लेटर आई है ना, वो तेरे में से मदद कर देगा। अरे लेटर कैसे, इंसान की बात हो रही है। अगर इंसान की बात हो रही है तो बेटा यहां से इज कटेगा। अब एम आएगा, आई एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग। ये नहीं कि आप रटकर किसी चीज को चले, छोटी छोटी नाजुक नाजुक सी बातें हैं, बट इन चीजों को सीख लो यार, पेपर में चीजें परेशान करते हैं। बट आप किसी भी लेवल का एग्जाम दोगे ना, यहां तो बच्चा वो भी है जो बेचारा 10+2 के बाद भी एग्जाम देगा, ठीक है, उनका लेवल अलग होगा, सीजीएल वाले उनका लेवल अलग होगा। तो पेपर में किसी से भी किसी भी तरीके से चीजों को पूछे, आप तैयार रहे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, इसको कॉपी कर ले। तो ये आई का क्लेश खत्म हो गया यार, बच्चों को बहुत टेंशन रहती है आई बबाल क्या है। तो आई के कॉन्सेप्ट को याद रखना, आई के साथ है मैं है, इसको रट मत लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज आई, इफ यू आर गोइंग टू यूज आई एज अ स्पीकर, दैट मीन्स आई इज यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर, यू हैव टू यूज एम। बट वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज आई टू रिप्रेजेंट एज अ लेटर, और वी कैन से आई इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इट सेल्फ एज वेल, so then you have to use is for I, you cannot use am for that particular I. Got it? Yes or no? Very nice. I really appreciate your efforts. हिंदी में बोलिए ना सारे। अरे हिंदी में तो बोल लिया, वो इंग्लिश में बोल लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता रहूंगा, दोनों को समझ लो, मार खाओगे तुम। इंडिया में जो पैदा हुआ है भाई साहब, इंडिया की धरती में एक जादू है। क्या आपके सामने कोई कितनी भी फास्ट इंग्लिश बोले आपको समझ आती है, तुम चाहो ना चाहो तुम्हें इंग्लिश समझ आएगी। ये भाई साहब भारत देश पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहला नंबर का देश है जो इंग्लिश को इस भारी संख्या में समझता है, इस बात को भूल मत जाना। दूसरा, इंडिया ही इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा देश है जो अपनी लैंग्वेज को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, हिंदी को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। तीसरी बात, भारत ही पूरे वर्ल्ड में ऐसा देश है जो इंग्लिश को बोलने में भी, जिसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, सबसे ज्यादा प्रयोग करता है। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो गया, वो फिरंगी आए थे, वो ज्यादा दिन राज कर गए तो हमें पता चल गई। ठीक है भाई, चलो बच्चे अब आगे देखते हैं। तो मैंने ये बोला जब आई स्पीकर को दिखाएगा तो ये कर लो बेटा, और आई आई को ही दिखाए मतलब एज अ लेटर रिप्रेजेंट करोगे तो इस कर। ठीक है, अब बढ़िया, आगे पक्का, गॉट इट। चलो आगे देखते हैं भाई। डन है, देखो डियर, अब अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। अगले मतलब अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स आपको समझ आ गए, अब मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेता हूं। अब नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ध्यान से सुना डियर। नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज करते हैं सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, या फिर से देखो पंगा कौन कर गया, आई आ गया, या तो ये प्लूरल हुआ या आई आ गया, आई का तो ध्यान रखा गया भाई साहब। तो बेटा आप उसके बाद डू नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। नॉट बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। एडवर्ब को समझने के लिए अभी आपकी उम्र बहुत ही छोटी है, क्योंकि अभी आप टेंस पर हो, जब एडवर्ब में आऊंगा तो वहां पे नॉट को, ठीक है, और तरीके से समझेंगे हम। फिलहाल ये देखो मेरे बच्चे, जब सब्जेक्ट प्लूरल या आई हो तो आप डू नॉट यूज करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज कर लेते हो। आगे जो भी रामायण हो, आपकी इच्छा है, जो भी आगे ऑब्जेक्ट आया हो, आप उसको यूज कर लेते हैं। बट अगर ये सब्जेक्ट आने वाला
बच्चे अगर ये सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर हुआ, सिंगुलर वो भी आई के अलावा हुआ, तो आप यूज करते हैं मेरे बच्चे डज नॉट। अब ध्यान से सुनना, आपने आखिरकार डज नॉट जब लिखा, जब आपने डज नॉट लिखा तो आप एक चीज का ध्यान रखो, आपने यहीं पर इसको सिंगुलर बना दिया, आपने इसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहीं पर बना दिया, क्योंकि ये जो डू था आपने उसमें ई एस सफिक्स कर दिया, तो डज आपने यहीं पर सिंगुलर बना दिया। अगर आपने यहीं पर सिंगुलर बना दिया तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर दोबारा एस और ई एस सफिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सफिक्स कर चुके हो। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आने वाली वर्ब के साथ एस और ई एस दोबारा सफिक्स मत करना। इसका मतलब बच्चे डज नॉट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू नॉट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहां पर दूसरा चेंज ये होगा। ठीक है, आगे सुनो। आगे अगर बेटे कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप उसे यूज कर लेंगे। आने वाली चीज का एग्जांपल एक बार समझते हैं। मैंने बोला दे डू नॉट, ठीक है, दे डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, वे वहां जाना नहीं चाहते। आपने सेंटेंस को लिखा तो डू नॉट और वर्ब की क्या आ गई फर्स्ट फॉर्म। आई भी होता, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, तो देखो अगर डियर मैं यहां से दे को भी हटा दूं और यहां आई यूज कर लूं तो तब भी आई डू नॉट वॉन्ट ही आएगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, प्लूरल हो या आई हो। दूसरा सुनो, अगर मैं यहां ही लगा दूं तो ही एक चेंज ले आएगा, डियर तुरंत आने वाली वर्ब को सिंगुलर कर लेगा। डज नॉट, फिर एग्जामिनर कर सकता है यहां आपको वॉन्ट्स करके दे या आप वॉन्ट यूज करोगे टू गो देयर। जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो रामायण सारी समझ आती है। डज नॉट ऑलरेडी सिंगुलर कर चुका है तो दोबारा सिंगुलर की जरूरत नहीं, आप ये यूज करें। आगे कोई भी रामायण हो डजंट मैटर, गॉट इट, डन है बेटे। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर का कुछ इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसने कॉपी नहीं किया भाई देख लें एक बार, जो कॉपी करें ना साथ साथ, ये ना हो मैं थोड़ा सा कर लूं। ठीक है भाई, यहां तो कोई डाउट नहीं है। एक बच्चा है रवि, कहता है सर क्लास रिकॉर्डेड तो नहीं बताओ। अरे प्रभु, यहां टाइम चल रहा है साथ में, अब तेरे को नहीं पता चल रही, ठीक है, तो कैसे तेरी बात बनेगी बच्चे। तैयारी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं, ये तुझे पहचानना ही नहीं आ रहा लाइव चल रहा है कि रिकॉर्डेड चल रहा है पगले। चलो आगे देखें। तो ये चीज हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर, पहले से आप आते होंगे बट मैंने एक बार फर्ज बनता है मैंने आपको रिवाइज करा के दे दिया। देखो जी, अब एक सेंटेंस होता है हमारे पास बचपन से पढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव, बट इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं, ध्यान से सुनना डियर। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, और एक बात को ना और ध्यान देना, अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को जान रहे हैं ना तो ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानने जरूरी है बच्चे, कॉन्टिन्यूस में थोड़ी ना रिपीट करने पड़ेंगे। कॉन्टिन्यूस में तो सारा ज्ञान आपके पास होगा, हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स को देख लेंगे। ठीक है, चलो। इंटेरोगेट करने का मतलब क्या होता है आप एक बार दिमाग में देखें बच्चे, इंटेरोगेट करने का मतलब क्या होता है बताना जरा। बिल्कुल सही कहा सर, आपने किसी से पूछना बच्चे, इंटेरोगेट करने का मतलब है किसी से कुछ पूछना। सो उस इंटेरोगेट से ही क्या बना है, इंटेरोगेटिव। सो पूछना मतलब क्वेश्चन पूछना, आप ये मान के चल सकते हो इंटेरोगेट करना किसी से कुछ पूछना, और किसी से आप कुछ पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, बट ऑब्वियस बात है क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी, इसीलिए आप कई बार ना एक इंटरेस्टिंग चीज कराऊं, कई बार आप ये करते हो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। एक बात बताओ क्या सेंटेंस सही है, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यू कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। व्हाई, देखो डियर आपने यूज क्या किया, मे आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, अच्छा क्या पूछेंगे, क्वेश्चन, तो फिर लिख क्यों रहे हो यार, फिर लिख क्यों रहे हो। तो जब आप ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, आप ये बोल सकते हो मे आई आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, ये बोल सकते हो, बट मे आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, बट आप ये नहीं बोल सकते ना मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए फिर आपको, उसी चीज को जरा ध्यान से सुनो डियर, जिनको ये करेक्ट लग रहा है चीजों को लॉजिकल सोचो।
जैसे मैथ्स में तुम्हारा चलता ना दिमाग एक्स्ट्रा, वो दिमाग चलाओ आप लोग यहां। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसकी सेंस ऑलरेडी है, आप ये लिखोगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। इसी का एक टेक्निकल नाम भी पता है क्या होता है? सुपरफ्लुअस। लिख लेना इस चीज को, ये काम आएगी टेंस में। इसको भी एक्स्ट्रा ना कहीं नोट करके बस कॉपी कर लेना, ये चीज काम आएगी, सुपरफ्लुअस। अब ये सर सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? देखो सुपरफ्लुअस फुल से क्या बना है? फ्लुअस। सुपरफुल मतलब क्या हो गया? एक्सेस हो गया। तो जितने की जरूरत है आपने फालतू में कुछ वहां पर लिख दिया, जो ऑलरेडी सेंस है उसमें आपने वो चीज लिख दी, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा। तो आप सुपरफ्लुअस को क्या कह सकते हो? लिख कॉपी कर लेना इसको ना एक्स्ट्रा, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जिसकी जरूरत है उससे ज्यादा आपने लिख दिया, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। ठीक है, ये चीज काम आएगी हमारे। ये टॉपिक भी होता है अलग से कराऊंगा, ठीक है, टॉपिक भी होता है अलग से कराऊंगा, बट डियर इसको यहां पर भी याद रखना, थोड़ी देर बाद इसका भी जिक्र होगा। सुपरफ्लुअस समझ गए ना? तो नोट कर लेना, नोट करके अलग से ये चीज लिखना। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं पास्ट हिस्ट्री? What you say, my dear students, that is correct or not? Past history? Dear, एक बात बताओ, history क्या होती है? History कौन से time की होती है? कौन से time की होती है? आपने बोला past की होती है, तो लिख क्यों रहे हो यार? लिख क्यों रहे हो? गलत हो जाएगा ना? मैंने बोला repeat again. मैंने बोला यार रिपीट अगेन, री का मतलब ही क्या होता है? दोबारा। तू उसके साथ अगेन क्यों बोल रहे हो? रिपीट प्लीज। आप लोग अभी कितनी बार आप जो है कमेंट में लिख देते हैं रिपीट अगेन सर, रिपीट अगेन मत बोलो, रिपीट अगेन गलत हो जाएगा, ऑलरेडी सेंस है, समझ गए ना आप? तो ये चीजों का आप समझ लो। पास्ट रिकॉर्ड, ठीक है, कई बार हम ऐसे लिख देते हैं पास्ट रिकॉर्ड, अरे फिर से गलत हो गई, ठीक है। तो जिसकी ऑलरेडी सेंस होती है उन चीजों में ये चीजें नहीं लिखे जाते। आसान हो गया ना? चलो बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो सुपरफ्लुअस का मतलब क्या हुआ? जिसमें चीज में ऑलरेडी जो सेंस है उसको आप दोबारा मत लिखो, वो चीज इलॉजिकल सेंस करती है। तो रिपीट अगेन, ठीक है, रिकॉल अगेन, ये चीजें नहीं, ठीक है ना? हाँ, कई बार एक बच्चा पूछ रहा है सर ऐसा लिख सकते हैं एंग्री मॉब? बेटा मॉब का मतलब ही क्या होता है? गुस्से वाली भीड़। हाँ, तो उसके साथ एंग्री क्यों लगा रहे हो? सिंपल हुआ ना? ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा, अभी तो मैंने छोटा सा इंट्रो दिया, ये सेपरेट एक टॉपिक है जिसको बाद में करेंगे। सर यहां क्यों बताया? क्योंकि अब यहां ये रिलेट करेगा, ठीक है, चलो यहां ये रिलेट करेगा इसलिए ये बताया। अब आगे की बातचीत कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, फिर आगे चीजों को देखेंगे। डन है? ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर बनता है? ध्यान से सुनना डियर, इसका केस नंबर वन, ये दो टाइप के याद रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं डियर, यस नो क्वेश्चन। सर यस नो क्वेश्चन मतलब, इनका टेक्निकल नाम भी होता है, ये मैंने उनका नॉन टेक्निकल नाम लिखा है। टेक्निकल नाम क्या होता है यस नो क्वेश्चन का? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड, जिनका आप आंसर यस और नो में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं डियर, आप इसका रिप्लाई क्या कर सकते हैं? यस yes, अगर आप जा रहे हैं, नो no, अगर आप नहीं जा रहे। मैंने बोला आर यू गोइंग देयर, आपने बोला यस, मैंने बोला आर यू गोइंग देयर, आपने बोला नो, दैट्स इट। तो वो वाले क्वेश्चंस जिनका आप यस और नो में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, सो उसी को बोलते हैं यस और नो, जिनका रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ किस में आ सकता है? यस और नो में। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो डियर, हमेशा आप इनमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं तो क्या आएगा? डू और डज। अब आपको पता है जिस हिसाब से सब्जेक्ट होगा, फिर आप क्या लगाएंगे? आप लगा देंगे प्लूरल या सिंपल सब्जेक्ट लिख रहा हूं डियर,
क्योंकि अब आपको पता है कब डू आएगा कब डज आएगा, ठीक है ना। सिंगुलर अगर डू की बात करोगे तो मैंने अभी भी बताया प्लूरल और आई सब्जेक्ट के साथ, और डज की बात करोगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ठीक है ना। डू डज हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या आया सब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, डज को तो सिंगुलर यही कर चुके होगे तो आगे कोई इफेक्ट ही नहीं जाने वाला, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाना, कभी कभी भी एस और ई एस लगाने की कोशिश ना करें। फिर बच्चे आगे अगर आपको कोई भी चीज आगे एक्सप्लेन करनी है तो वो एक्सप्लेनेशन अपनी यहां आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे समझो, जैसे मैंने बोला डू डू या डज दे सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, अब मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाँ वो दिक्कत नहीं, इतना बहुत है ना, ठीक है मेरे भाई। बेटा YouTube वाले जो है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस कमेंट्स, YouTube वाले भी रैप वाले, और YouTube वालों से मेरी रिक्वेस्ट है फटाक से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। मैंने हमेशा बोला मेरा मोटिव जो सबसे पहले होता है ना, वो हर स्टूडेंट तक पहुंचना होता है जो वाकई में दिल में अरमान रखता है मेहनत करने का, मेहनत करने की इच्छा रखता है। हर स्टूडेंट तक मुझे पहुंचना है और हम लोग इस मुहिम में कामयाब भी हुए हैं, इसलिए मैंने पहली क्लास में बोला था ना आप सभी को, आप सभी स्टूडेंट की जब पहली क्लास ली थी मैंने बोला था ये कोर्स फी रखने का मेरा इरादा ही यही था बच्चे। पहले मैंने 4000 रखी थी, फिर मेरा दिमाग घुमा नहीं यार ये चीज इलॉजिकल है, अब मुखर्जी नगर में तो 11000 ही है, बट ये चीज फी रखने का, कोर्स फी रखने का मेरा मकसद यही था कि हर स्टूडेंट के पास वो बेहतरीन कंटेंट जाए और वो मेहनत करे। तो यूट्यूब वाले बेटा शेयर करो लाइक करो, सेल्फिश कभी मत बनना, कहता है यार मैं शेयर करूंगा किसी का भला हो जाएगा, मेरा ही कंपटीशन तैयार हो जाएगा स्टूडेंट, ये कभी भी दिमाग में नेगेटिव सोच मत लेके आना बच्चे। दुआएं मिलती हैं, आपके पास भी तो किसी ने वीडियो शेयर की होगी, जिसने भी मेरे से पहली बार पढ़ा होगा आपके पास भी तो वीडियो किसी ने शेयर की होगी, तब आपने जाना होगा अरे हाँ सर तो अच्छा पढ़ाते हैं चलो मैं भी पढ़ लेता हूं। तो ये सोचना, जब आप अपने दिमाग में ये सोच लाते हैं ना तो हर पर्सन अपने आप में इस चीज को लेकर चलता है। इसलिए मैं जो YouTube पर है वो फ्री वोकैब भी कराता हूं, फ्री वोकैब में मैं बच्चे ऑलरेडी 70 सेशंस वोकैब के ले चुका हूं, और अब मंडे से थोड़े टाइम से मेरी तबीयत डाउन चल रही थी, ठीक है, और फिर हमने वो प्रोटेस्ट भी चला रखा था तो उस वजह से रुकी थी, अब मंडे से वो सेंटर वो जो फ्री वोकैब है वो भी हम करनी स्टार्ट कर देंगे, और आपके लिए एक्स्ट्रा वोकैब जो सरप्राइज रखा था वो क्लास भी हम अगले वीक से स्टार्ट कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लास आपकी वोकैब के लिए, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखो, तो वो फ्री पढ़ाने का भी मेरा मकसद यही था, और वहां भी और यहां भी यही बोलता हूं कि यूट्यूब पर जब भी मैं आ रहा होता हूं तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं बेटा शेयर जरूर करना, ताकि हर बच्चा ठीक है उस चीज के बारे में जान पाए। तो YouTube वाले फटाक से लाइक करो बच्चे सेशन को और शेयर कर दो, ठीक है कर दिया। चलो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। चलो डियर बात करते हैं अब आगे, अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पे वापसी। मैंने क्या बोला डू या डज, तो आप लोगों ने सबने आंसर कर दिया सर सिंपल सी सेंस है दे, इसके हिसाब से चलती है ना वर्ब, तो ये नहीं आएगा ये आएगा, ठीक है। अगर यहां सिंगुलर होता तो डियर डज आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे डज का एग्जांपल की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर हुआ जिसको हमने बोला यस नो क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस का यस और नो में आंसर कर सकते हैं। दूसरा यहां पर भी लगा दूं और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क साइन, इजी है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर मैं इंटरोगेटिव के केस नंबर टू की बात करूं मेरे भाई, तो इसका केस नंबर टू होता है, ध्यान से सुनना, जिसका नाम मैं रखता हूं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। अच्छा सर ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन क्या होता है, इसमें आप किसी भी क्वेश्चन को ना पहले से ही क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से पूछते हो पहले से ही, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से पूछ लेते हो। जैसे क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हो गया, आप बोल देते हो व्हाट व्हाई व्हेन हाउ, क्वेश्चन वर्ड्स है ना, हाउ मेनी, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स ही तो हैं, इनको आप यूज कर लेते हो, तो इनको यूज करना बेहद आसान है। जैसे एक बात बताओ, आपने डू लगाया था, हाँ सर, आपने डज लगाया था, हाँ सर, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया था, बिल्कुल सर, ठीक है, फिर डियर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, बिल्कुल सर, एस और एस तो आएगा ही नहीं, फिर आपने क्या लगाया था आगे अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन है, फिर आपने क्या लगाया था क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चन का आप हाँ या ना में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, वहीं पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म, इसलिए उसको हम क्लोज्ड एंडेड भी बोल देते हैं, ठीक है।
जिसको हम मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा आपको, नरेशन वगैरह में इन चीजों को बाद में पढ़ाऊंगा। दूसरा सुनो, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन का एक और नाम हो सकता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड इनका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, सपोज व्हाई आर यू गोइंग देयर, एक क्वेश्चन में पूछूंगा आर यू गोइंग देयर, सो यू कैन रिप्लाई वेदर यस और नो। आप बोल सकते हो हां या ना, क्लोज एंडेड। व्हाई आर यू गोइंग देयर, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम कह रहे हो यस 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 यस, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी ना डियर, क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपसे पूछे व्हाई आर यू गोइंग देयर, यस 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 यस, इलॉजिकल है, तो ये चीज यहां नहीं हो सकती। तो इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें बस एक चेंज ये आ जाएगा, इससे पहले आप क्वेश्चन वर्ड यूज कर लोगे। जिस भी क्वेश्चन वर्ड से आप क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसे ही पुट कर लेंगे, बस ये चेंज है। देख रहे हो, ये था क्लोज्ड एंडेड यस और नो में, ओपन एंडेड उससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन से आप, जिससे भी क्वेश्चन से वो कोई चीज पूछने की कोशिश कर रहे हो। चलो जी, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको ये यूज किया व्हाई डू दे, व्हाई डू दे गो देयर, व्हाई डू दे गो देयर, अब आप इसका आंसर यस नो में थोड़ी ना करोगे। देखो स्ट्रक्चर हो ना, क्वेश्चन वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब आई, फिर ये मेन वर्ब आई, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। किसी भी तरीके से एग्जाम में वो एरर दे, आप लोग तैयार रखना। अगर ही होता तो व्हाई डज ही गो देयर, सिंपल है, आसान हो गया ना। चलो बात देखते हैं बेटा, जो जो एक बच्चा आज पहली क्लास, जिनके एक दो बच्चा मुझे ये भी पूछता नजर आ रहा है सिलेबस कब तक हो जाता है सर, किस तरीके से, बेटा पहली क्लास देख लो, इंट्रो क्लास, इसलिए मैं देता हूं, मैं क्या कराऊंगा क्या नहीं कराऊंगा वहां से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे देख लिया बेटा, ये था बेसिक पार्ट। सिर्फ तीन टाइप के सेंटेंस हमारे काम के आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों स्ट्रक्चर्स आपके सामने आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, एक बात और समझना। अब मैंने सुपरफ्लूस का जिक्र किया था ना, उसका आंसर सुनो। मैंने आपसे बोला व्हाट इज योर, व्हाट इज योर नेम या व्हाट आर योर नेम, अरे योर नेम, नेम तो सिंगुलर है तो व्हाट आर मत कर देना यहां, ठीक है, इजी आएगा। व्हाट इज योर नेम, इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं, व्हाट इज योर नेम बसंती, अब बताओ क्या ये चीज सही है, क्या ये सेंटेंस सही है डियर, व्हाट इज योर नेम बसंती। याद आया हमारे शोले का सबसे मशहूर डायलॉग, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। अब भाई साहब जब तुमने क्वेश्चन पूछा तो सुपरफ्लूस कर दिया, तभी तो हमें मूवी में हंसी आई थी ना, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। तो एक बात बताओ, ये चीज वही है, ये चीज वही है, आपने सुपरफ्लूस बना दिया क्या? अरे यहां आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने बोला वेरी गुड। फिर आप यहां क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है? ये तो इलॉजिकल हो गया, ठीक है, ये तो इलॉजिकल हो गया, तो ये चीज नहीं हो सकती। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, तो कटेंगे कहां से बेटे, क्वेश्चन स्टार्ट किया तो बाद में आपको बसंती नहीं बोलना था, आप यहीं पे रुके भाई, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आप ये नहीं बोल सकते ना व्हाट इज योर नेम बसंती, ठीक है, तो ये लॉजिकल हो जाएगा। तो हां बसंती में एरर हो जाएगा अगर आपने प्यास यू आ जाएगा चीजें, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो बाद में आप उसका अंदाजा या आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। चलो अब इन चीजों को ध्यान में रखना, तो यही तो है, अरे इसी के लिए तो व्हाट लगाया है आपने, व्हाट इज योर नेम बसंती। अब इस बसंती को रिप्रेजेंट करने के लिए तो व्हाट लगाया है क्या, इसी को तो रिप्रेजेंट ये कर रहा है, ठीक है, डन है। चलो क्लियर हो गया। एक बच्चा पूछ रहा है अगर नोट आ जाए, वेरी गुड बच्चे, अगर नोट आ जाएगा ना तो नोट यहां पर लगाओगे आप, व्हाई डू दे नॉट गो देयर, वे वहां क्यों नहीं जाते, तो यहां नोट आ जाएगा। अगर नोट हुआ ना डियर तो यहां नोट आ जाएगा, अगर आपको नोट लगाने की जरूरत पड़े तो, दोनों केसेस में। डू यू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, व्हाई डू यू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहते, तो नोट आप यहां लगा दोगे, ठीक है ना, हल्का सा लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो, डन भाई। चलो
बढ़े आगे। चलो बच्चे अब आगे की बातचीत जरा कर लेते हैं, अब अगले सिस्टम पे बढ़ते हैं। भाई हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की एप्लीकेशंस पर मूव करूंगा। तो अब आपकी हेडिंग क्या डल जाएगी भाई, जो जो साथ कॉपी कर रहे होंगे साथ साथ कॉपी रखना, ठीक है। कॉपी करने के लिए समय आपको इतना सफिशियंट रहेगा अगर आप साथ साथ कॉपी करेंगे, अगर आप बाद में कॉपी करते हैं तो बहुत अच्छे हैं। वो क्या बेटा, मंडे से करेंगे सौरभ, मंडे से करेंगे, ठीक है। आगे देखें यार, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एप्लीकेशंस। अब भाई यहां से हमारी एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गई, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एप्लीकेशंस की बात होगी डियर, अब बेसिक की बात नहीं होगी, अब बात होगी एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एप्लीकेशंस में क्या है, एप्लीकेशंस का मतलब हो जाता है जो बेसिक है ना, बचपन में आपने इतना ही तो सीखा था। एप्लीकेशंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चंस ड्राइव करता है, और वो सुपरफ्लूस वाली चीजें सारी चीजें अब आपके काम आएंगी। इन एप्लीकेशंस को समझने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज का इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग का, किसी रूल का नहीं। चलो एप्लीकेशन को जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, सबसे पहला 1 2 3 मत लिखना, बस ऐसे लिखना कॉन्सेप्ट। बच्चे मैं कॉन्सेप्ट इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं उस चीज को आपको समझा कर दूंगा, मेरे पास कोई रूल से पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, मैं रूल से नहीं पढ़ाता। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मत लिखना, कॉन्सेप्ट लिखना, 1 2 3 के चोचले मत पालो, कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनो, लिखवाऊंगा बाद में, पहले चीजों को समझ लो। मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा, सपोज करना आई यूज, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है भाई, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, एक सेंटेंस समझ आता है, सही। मुझे इसका एक मतलब समझाने की कोशिश करो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल, देखो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगी, अभी बेसिक काम आ गया, सही है। एप्लीकेशन, चलो इसका मीनिंग समझते हैं, चलो इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ डियर, इसका मतलब क्या हुआ, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। हिंदी नहीं बेटा, हिंदी में और मतलब में दिन रात का फर्क होता है, यह मैं प्रूव करके दिखाऊं मैं पहले आपको। देखो बेटा ये यहीं पे रोक रहा हूं, एक चीज प्रूव करता हूं, फिर मैं वापसी इसी कॉन्सेप्ट पे आता हूं, ध्यान से सुनना। एक चीज प्रूव कर रहा हूं डियर, फिर मैं वापसी इस पर आऊंगा, फिर मैं वापसी इस पे आऊंगा, बट एक चीज प्रूव कर रहा हूं, उस चीज को जरा ध्यान देना। क्या है वो चीज, मैंने बोला ही इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है, और मैं यहां पर आपको कह रहा हूं हिंदी वर्सेस मीनिंग या सेंस। बेटा हिंदी सेंस या मीनिंग में क्या डिफरेंस है, ये क्या यार, बच्चा इसको समझ ही नहीं पाता। जैसे मैं उसको बोलता हूं ना भाई कॉन्सेप्ट के जरिए चलो, हिंदी मत निकाला करो, हिंदी विंदी मत किया करो, मीनिंग निकाला करो, हिंदी मत चिपकाओ, मीनिंग। सर ये मीनिंग और हिंदी में फर्क क्या होता है, बच्चे को लगता है हिंदी करना ही मीनिंग है, ऐसा नहीं है, हिंदी करना ही मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। मीनिंग अलग चीज होती है, सेंस अलग चीज है, मीनिंग अलग चीज है, और हिंदी अलग चीज है। तो आपको किसी चीज की हिंदी नहीं देखनी, आपको उस चीज का मीनिंग या सेंस या कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हैं, आपको वो देखना है, ठीक है। मीनिंग सेंस या कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है, आपको हिंदी नहीं देखनी, और इसको भी कॉपी करोगे आप साइड में। चलो आ जाओ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चे, ही इज डूइंग हिज वर्क, इसकी हिंदी क्या है पता है आप क्या निकालते हैं, वो अपना काम कर रहा है। मैंने बोला रहा है कहां से आया, सर जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा, हां तो बचपन में हमने पढ़ा था रहा है, रहे है, रही है, था, थी, थई, चुका, चुके, चुकी, ठीक है, गा, गे, गी, ये सब हमने बकवासबाजी बचपन में पढ़ ली जो कि सरासर गलत है। चलो इसका मीनिंग निकालता हूं, अगर आप कॉन्टिन्यूस में रहा, रहे, रही बोल रहे हो तो बच्चे आप बुरे तरीके से फंसोगे, इलॉजिकल है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना बच्चे, डूइंग का मतलब क्या होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस, कल समझाया था, अभी वो काम है, चल रहा है, वो है करते हुए अपना काम, इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है, वो है करते हुए अपना काम,
एग्जैक्टली मीनिंग इसका ये है, इसका मतलब कोई भी पर्सन है ही, सपोज करो ये क्यूट सा बच्चा स्माइल के साथ, ये ही है, और सपोज करो ये कहीं पर भी बैठा है या कुछ भी है, ये अपना काम करने लग रहा है, कुछ भी ये काम कर रहा है, ये इसका मीनिंग हुआ ना भाई, कि वो है अब करते हुए अपना काम। इसका मतलब कोई भी वो पर्सन है वो अपना काम कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ही इज डूइंग हिज वर्क, वो है अपना करते हुए काम, ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग हुआ, सही है। तो अब हिंदी और मीनिंग में क्या डिफरेंसेस है, वो डिफरेंस यहां से आपको क्लियर होगा। दूसरा देखो, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा माई मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, माई मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, अब इसका मतलब निकालो। अगर तुमने रहा रहे रही निकाल लिया तुम तो बुरी तरीके से फंसोगे। मेरी मदर टेबल पर खड़ी हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब पता है क्या हुआ? मम्मा टेबल पर खड़ी नहीं हुई, मम्मा टेबल पर यूं है और यूं खड़ी हो रही है, कहते मेरी मम्मा टेबल पर खड़ी हो रही है, जबकि इसका मतलब यह है ही नहीं। अब अगर तुमने हिंदी रट ली और रहा रहे रही की ता थे थई की यहां पर सुरताल चला दिए तो बर्बाद हो जाओगे, तो बर्बाद हो जाओगे। अब आपकी मम्मा सपोज टेबल पर खड़ी हुई है, मैंने बोला आपकी मम्मा कहा है, आपने बोला मेरी मम्मी टेबल पर खड़ी हुई है, तो टेबल है, टेबल पर खड़ी हुई है, सपोज फैन साफ कर रही है मम्मी, कई बार करती है ना मम्मी लोग, आपने बोला मेरी मम्मी टेबल पर खड़ी हो रही है, अरे ये तो अलग इंग्लिश बनेगी, ये अलग इंग्लिश है, मुझे बताओ ये सीन क्या रहा होगा। मेरी मम्मी, माई मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ये सीन क्या रहा होगा? ये सीन ये रहा होगा, सपोज करो बच्चे ये एक टेबल रही होगी, सपोज करना ये एक टेबल रही होगी, ठीक है, और यहां पर कोई भी जो पर्सन है, मम्मा है या कोई भी जो पर्सन है, वो ऑलरेडी खड़ा हुआ है। दैट इज द मीनिंग, ये मीनिंग है, और इसकी हिंदी आपको बर्बाद कर देगी, आपकी इसकी हिंदी बर्बाद कर देगी, आपको इसका मीनिंग जिंदा रखेगा। दैट इज द सिचुएशन। सपोज यहां मेरे नीचे टेबल में खड़ा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल, आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल, इसका मतलब ये हुआ, दिमाग दौड़ा। और जब रहा रहे रही की सुरताल चला रहे हो तो अलग आ रहा है मीनिंग। फिर बच्चा कहता है अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता, कभी कभी कुछ नहीं तो आप छोड़ दो ना, भाड़ में गया हिंदी, उसका मीनिंग सोचो। इसका मीनिंग क्या है? माई मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, मेरी मम्मा टेबल पर खड़ी हुई है, हो रही है नहीं, खड़ी हुई है भाई, मेरी मम्मा टेबल पर खड़ी हुई है, तो खड़े होने का जो एक्शन है वो चल रहा है, सिंपल। तो स्टैंड कराओ तो सही, यू करना ये तो इलॉजिकल है बच्चे, ये स्टैंड का मतलब ये थोड़ी ना होता है, स्टैंड का मतलब है जस्ट लाइक दैट, मैं ऐसे खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल। तो बच्चे ये मतलब होता है, जब आप हिंदी देखते हो तो बर्बाद है और आप मीनिंग देखते हो तो सही हो जाता है, समझ आया ना? इन चीजों को अपने दिमाग में फिट कर लें, टेंस इतने बेहतरीन हो जाएंगे आपके कि आपसे कोई गलती नहीं करा पाएगा। तो बच्चा ये भी कर देता है, हुआ हुई हुई, अब ये भी रटेगा क्या? कॉन्टिन्यूस में हुआ हुई हुई भी आ जाएगा, ठीक है, रहा रहे रही भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ता थे थी कर दो, ठीक है, लॉजिकल है। मैं वहां जाता हूं, ता थे थई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सब बर्बाद करेंगे आपको। मीनिंग निकालो। मैंने बोला बेटा इसका मीनिंग क्या है? आपने बोला सर मेरी मम्मा टेबल पर खड़ी हुई। भाई इसका मीनिंग क्या है? सर वो अपना काम कर रहा है। तो इसका सीन ये रहा होगा और इसका सीन ये रहा होगा, तो आपको ये समझना है, मजा आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं इस पर जरा वापसी, ठीक है। उसको कॉपी करना अलग से, आप बार बार मेरे से मत पूछना है हिंदी और मीनिंग में क्या फर्क होता है, ठीक है ना? अब आ जाओ, ये बताई गई बात आप यहां पर अप्लाई करो, यहां पर अप्लाई करो। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ये नहीं मैं सुबह चाय पीता हूं, अरे मैं सुबह चाय पीता हूं, ये तो हिंदी हुई, ठीक है, ये तो हिंदी हुई। मुझे इसका मीनिंग बताओ, मैं सुबह चाय पीता हूं का मतलब क्या है? ये बंदा सुबह उठेगा चाय पिएगा, मतलब ये एक सुबह चाय पीता है या हर सुबह चाय पीता है, बताए मेरे बच्चे। वेरी गुड सर, हर सुबह चाय पीता है, ठीक है, हर सुबह चाय पीता है, एवरीडे की सेंस है। अब सपोज करो आपके घर आपके कोई रिलेटिव आए, उसने बोला आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं, तो भाई वो आपके घर रुके हुए हैं, तो जब वो अगली सुबह उठेगा तो आप उसे चाय दोगे ना भाई? क्यों? क्योंकि यार बंदे ने बोल दिया ना आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं। जब बंदे ने चुटकुलाल वो चीज बोल ही दी तो बच्चे आप हर दिन उसको चाय दोगे ना, क्योंकि वो बता रहा है अपने बारे में कि उसका नेचर, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसकी हैबिट, उसका रूटीन इस तरीके का है, समझ रहे हो? तो हर सुबह चाय पीता है, इसका मतलब ये हुआ। चलो समझ आ गया सर हमें।
तो कोई भी जब आप काम बार बार करते हैं, रिपीटेड एक्शन होता है, आपकी हैबिट होती है, तो वो चीजें होती हैं। तो ध्यान से सुनो, आप यहां क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई भी रिपीटेड एक्शन दिखा सकते हैं बच्चे, ठीक है। आप क्या दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, कोई भी हैबिट दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया दे स्मोक, वो स्मोक करते हैं, इनकी हैबिट वहां से निकल के आ रही है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मेरा डेली का रूटीन हो सकता है, ये मेरी हैबिट हो सकती है, ठीक है। दे गो टू स्कूल ऑन टाइम, वो स्कूल समय पर जाते हैं, उनका डेली रूटीन हो सकता है, हैबिट हो सकती है। तो इन चीजों को आपको दिमाग में सोचा करो, ठीक है। आसान हुई मेरे बच्चे, चलो बात अच्छी तक के बढ़ाते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर खड़ा हुआ था, बेटा स्टूड तो फिर पास्ट हो जाएगा ना, मतलब वो एक खड़ा हुआ था तो टेबल पर खड़ा ही नहीं हुआ, अभी अगर खड़ा हुआ है, अभी प्रोसेस चल रही है, तो चलता हुआ काम क्या था, कॉन्टिन्यूस था। आई एम ईटिंग, आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्टैंडिंग, समझ आया। चलो बेटा आगे देखते हैं। तो ध्यान से सुनो, अभी मैं सिर्फ दो चीजों की बात कर रहा हूं, कोई भी रिपीटेड एक्शन हो या कोई भी हैबिट हो। तो आप ध्यान से सुनो, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं तो ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है यार, ऑटोमेटिकली आ जाती है, ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। कोई भी रूटीन एक्शन या कोई भी हैबिट ऑटोमेटिकली शो होता है, ऑटोमेटिकली शो होता है, उसमें ऑलरेडी वो सेंस होती है, क्लियर है ना, उसमें वो ऑलरेडी सेंस आ जाती है। तो एक बात बताओ, फिर मैंने एक सेंटेंस यहां यूज किया, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, I used to take tea in the morning. मैंने ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया। अब जरा यहां पर गौर फरमाइएगा, मैंने एक एक्स्ट्रा चीज क्या यूज की, used to. मैंने इसे एक्स्ट्रा यूज किया, I used to take tea in the morning. मुझे बात बताना जरा, इसके आने से क्या फर्क पड़ा, used to आने से क्या फर्क पड़ा। used to का मतलब भी क्या होता है, किसी आदत को रिप्रेजेंट करना। भाई यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं used to, तो used to क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, हैबिट इन प्रेजेंट। बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाता है, क्या दिखाती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, हैबिट इन प्रेजेंट, हैबिट इन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहा है ना बच्चे, यही तो दिखा रहा है। आई यूज टू, ठीक है, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, ये हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बेटा आप ऊपर भी क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपने बोला सर मैं ऊपर भी हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहा था, मैंने बोला वेरी गुड बच्चे। अच्छा आप नीचे भी क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने बोला हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यार मजा सा नहीं आया, कहते सर मजा क्यों नहीं आया, कहते यार ये भी हैबिट दिखा रहे हैं, हां ये भी हैबिट दिखा रहे हैं, तो इसको लेकर क्यों आए तुम, मतलब क्यों, अरे अभी अभी सर आपने हमें पास्ट हिस्ट्री नहीं लिखने दिया, क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी पास्ट का मीनिंग रखती है, रिपीट अगेन आपने अगेन कटवा दिया, क्योंकि रिपीट अगेन का ऑटोमेटिकली मीनिंग रखता है। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अरे सर आस्क पूछना अपने आप में क्वेश्चन का मीनिंग रखता है, तो क्यों लिखोगे आप मे आई आस्क अ क्वेश्चन। मैंने बोला यार बात में दम है छोटे की। अच्छा एक बात और सोचो बच्चे, जब आप ये चीज भी कर रहे हो तो ये जो टेक यूज हो रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो ऑलरेडी हैबिट की सेंस रखता है। अगर वो ऑलरेडी ऑलरेडी हैबिट रखता है तो फिर आप ये क्यों लिख रहे हो, तो मजा नहीं आया। अगर मजा नहीं आया तो भाई साहब मजा नहीं, आप इसको काट दें, ये एरर हो जाएगा। So, आपको ध्यान क्या रखना है, वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ हैबिट और यू कैन से एनी रिपीटेड एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी में सुन लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑटोमेटिकली किसी भी हैबिट या रिपीटेड एक्शन को दिखाता है। सो यू नीड नॉट यूज यूज टू इन दैट पर्टिकुलर टेंस, आपको पर्टिकुलरली इस टेंस में यूज टू करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें सेंस होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप यूज टू का यूज करें, ठीक है, और यूज टू का आप यूज कर रहे हैं क्या दिखाने के लिए, प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट हैबिट दिखा सकते हैं, ठीक है, या रिपीटेड एक्शन दिखा सकते हैं, कोई भी काम जो आप बार बार करते हैं वो आप दिखाने की कोशिश करते हैं।
सही है। बट बच्चे ये जो चीज है ऑलरेडी वो चीज रिप्रेजेंट करती है, इसलिए जब आप इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जब आप इस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज, ये बॉक्स अपने आप में बनता है सुपरफ्लुअस। ये बॉक्स अपने आप में बनता है सुपरफ्लुअस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी सेंस वो रखता है। तो आप इस चीज को यूज ना करें, गलत होगा। सर क्या पास्ट में कर सकते हैं? पास्ट में सिखाऊंगा ना भाई। फिर सर क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूनिवर्सल ट्रुथ भी दिखाता है? भाई अभी इंडेफिनिट खत्म नहीं हुआ ना बच्चे, अभी तो मैंने सिर्फ रिपीटेड एक्शन और हैबिट के बारे में जिक्र किया है, उस पर बेस्ड आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे बच्चे, अभी बच्चा पैदा हुआ है यार, तुम कहते हो दौड़ाओ इसको, छोटा है बच्चा है रे, थोड़ा बड़ा होने दो तभी तो दौड़ेगा बेचारा। एक एक पॉइंट को आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ठीक है। सो अपनी भावनाओं को एकदम जो है ध्यान से अपने दिमाग में रखें, सारी चीजें आपके पास होने वाली है। एक बच्चा कह रहा है प्लीज रिपीट सर। बच्चे याद रखना, मेरी एक आदत है, मैं ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट करता हूं बात को। सो दोबारा रिपीट बोलोगे तो रिपीट हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मैंने एक बात बताओ, ये बात आपको कितनी बार रिपीट की? मैं ऑलरेडी 2-3 बार बोलता रहता हूं भाई साहब, तो अपने आप ही रिपीट होता रहता है। फिर आप कह रहे हो एक और बार रिपीट कर दे, क्या हाल चाल सर? ओ क्या बात है, इतना वेट कम कर लिया भाई। ये शादी का असर है भाई, इंस्पिरेशन कुछ नहीं है, ये वहां से मोटिवेशन मिला है। जब भाभी जी बोलती होगी ना, सुनते हो, फिट नहीं हो आप, कहते बस तो भाई आज के बाद ठीक है सर। चलिए बच्चे पूछ रहे कौन फिट हो गया? अभिषेक सर फिट हो गए भाई साहब, देखते हो गए आजकल आप वीडियोस में। हाफ बिल्कुल आधा कर लिया ना आपने, तो शायद लग रहा है वेट, स्मार्ट लग रहे सर। चलिए जी आए, डन है जी, हो गया। तो याद रखना रिपीटेड एक्शन और हैबिट, सिर्फ इतनी बात की है मैंने अभी, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह की बात नहीं की, वो भी थोड़ी देर बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा, डन है? तो याद रखना रही है, इस बात को याद रखना। अब इसमें तो किसी का कोई डाउट नहीं है भाई, बढ़ ले आगे, पक्का? चलिए बहुत प्यारे बच्चे हैं, आगे देखते हैं भाई। अब देखो ये मीनिंग वाली मैंने बात बताई थी, किसका मीनिंग या इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे निकलता है। अब ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा एक्स्ट्रा नोट डाल के, और ये पहला आपके पास एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, इसी का नाम इसलिए मैंने डाल दिया डियर एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आगे की बातचीत कर लेते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगेगा आपको इसको जानकर डियर, समझना इस कॉन्सेप्ट में क्या है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि जब आप एक शब्द यूज करते हैं जिसका नाम है एडवर्ब, इसको थोड़ा सा सुन लो, बस ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा इस चीज को जान लो। ये एडवर्ब क्या होती है, ये एडवर्ब क्या होती है? एक काम करना बच्चे, ए वो लिया या तो एक चाय लिया या कॉफी लिया, जो भी जल्दी बन जाए वो लिया, ठीक है डियर? देखना यहां मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं एडवर्ब। अच्छा एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है जो भी वर्ब में डिटेल ऐड करे या वर्ब को एम्फेसाइज करे, है ना, जो भी वर्ब को एम्फेसाइज करे या जो भी वर्ब में कुछ भी डिटेल ऐड करता है, जो भी एक्शन में डिटेल ऐड करता है या किसी एक्शन को एम्फेसाइज करने की कोशिश करती है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। सो एडवर्ब को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यहां रिलेट करेगी, यहां पर रिलेट करेगी, एडवर्ब होता है। जैसे आप जाते हैं तो आप कब जाते हैं, कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, तो ये सारी चीजें देख रहे हो एक्शन में कुछ ना कुछ आपको डिटेल ऐड करते हुए नजर आएंगे। अगर वो एक्शन में डिटेल कुछ ना कुछ ऐड करती हुई नजर आएंगी तो उसी का नाम हमने डाल दिया एडवर्ब, ठीक है, समझ आती है बात? देखो सर इसको क्यों बता रहे हो आप, ध्यान से सुनना। कई बार कैसे एग्जाम में देता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, आई गो देयर ऑन टाइम। मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया, आई गो देयर ऑन टाइम, एक सेंटेंस है। अच्छा देखो आप इससे कुछ ना कुछ समझ पा रहे हो, आप समझ गए इसका मीनिंग, समझ गए आई गो देयर ऑन टाइम, मतलब मैं वहां पर समय पर जाता हूं,
समय पर जाता हूं तो मैंने अपना ये रिपीट एक्शन बता सकता हूं या मैं अपनी हैबिट बता सकता हूं, जैसा आप चाहें। अब आगे ध्यान से सुना, आई गो देयर ऑन टाइम, मैं वहां समय पर जाता हूं, ठीक है। एक बच्चा पीडीएफ का जिक्र कर रहा है, बेटा पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी, मंडे तक हो जाएगी, ठीक है ना। चलो देखो, आई गो देयर ऑन टाइम, मैं वहां समय पर जाता हूं। अगर मैं वहां समय पर जाता हूं तो ये बात में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनना, आपने एक छोटी सी मस्ती की, यहां मस्ती क्या की, आपने इस चीज से पहले एक चीज लिख दी, आई नेवर गो देयर ऑन टाइम, आई नेवर गो देयर ऑन टाइम, आपने पासा पलट दिया। अब आपने देखो पासा क्या पलट दिया, अब आपने उस जाने वाली बात में ये चीज ऐड कर दी, अब आपकी वहां जाने की फ्रीक्वेंसी, अब आपकी वहां जाने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, नेवर, जीरो, खत्म, आई नेवर गो देयर ऑन टाइम। अच्छा, इस बात को जरा ध्यान से सुनना, इस बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखूं, आई नेवर गो देयर, और एक सेंटेंस लिखो आई नेवर गो देयर ऑन टाइम, दोनों बातों में दिन रात का फर्क है। मीनिंग समझोगे तो क्या मीनिंग समझोगे डियर, आई नेवर गो देयर ऑन टाइम, मैं वहां कभी समय पर नहीं जाता, ये नहीं कि मैं जाता ही नहीं, जाता तो हूं पर समय पर नहीं जाता। अच्छा नीचे डियर, आई नेवर गो देयर, मैं वहां जाता ही नहीं, जीरो, मैं यहां जाता ही नहीं, मेरी जाने की फ्रीक्वेंसी जीरो है, यहां मेरी जाने की फ्रीक्वेंसी तो है बट समय पर जाने की फ्रीक्वेंसी जीरो है। मेरी बात को समझे डियर, ये फर्क है सेंस में और ये फर्क है हिंदी में। तो हिंदी गई, वहां पर जब आप हिंदी को चेक करोगे तो गलत है, हिंदी नहीं, चीजों को पकड़ो और सेंस को पकड़ो, मीनिंग जरूर निकालना पड़ेगा, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, भले ही आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, मीनिंग तो निकालना पड़ेगा ना डियर। मैं खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ, बट मीनिंग तो निकालोगे ना। अब इंग्लिश मीडियम में बच्चा क्या करता है, सीधा रट लेता है, उसको कुछ पता ही नहीं, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, उसको पता ही नहीं है मे क्या है, आई क्या है, गो क्या है, उसे कोई मतलब नहीं पड़ता, उसने रट लिया है। बाहर जाना है तो ऐसे बोलना है, वॉशरूम जाना है तो ऐसे बोलना है, पानी पीने जाना है तो ऐसे बोलना है, ये बोलना है तो ये बोलना है, कहता है 9 से सुबह 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलूंगा, उसे कोई मतलब नहीं 12 तक क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे कोई मतलब नहीं। कहता 12 से 3-4 बजे तक मैं आफ्टरनून चिपका दूंगा, फिर मैं गुड इवनिंग चिपका दूंगा, फिर मैं जाते जाते गुड नाइट चिपका दूंगा, समझते नहीं है चीजों को, वो चीज आपने नहीं करनी। तो आप ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मत बन जाना, चीजों को समझ लेना, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस का डिफरेंस समझ आया। चलो भाई को जान लेते हैं, भाई साहब क्या है, मैंने बोला भाई साहब आप क्या हैं, भाई साहब ने बोला देखो भाई साहब हम कुछ नहीं कर रहे, हम इस वर्ब में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस जाने की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, यहां जाने की समय पर फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, ठीक है। सो बच्चे इनका नाम इसलिए पड़ जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कब कब, कब कब, हाउ ऑफन, कब कब आप वहां जाते हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेचर बताती है एक्शन का, कब कब वो चीजें होती हैं, ठीक है, हाउ ऑफन आप कह सकते हो। सो आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो देयर ऑन टाइम, इस तरीके से बात करते हैं। सो बेटा नेवर आने से क्या सेंटेंस के मीनिंग में फर्क पड़ गया, बिल्कुल मीनिंग में फर्क पड़ गया सर, बिल्कुल मीनिंग में फर्क पड़ गया। चलो एक एग्जाम्पल जरा और देखो, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा यहां दे, ठीक है, दे sing a song for me, they sing a song for me, ठीक है, वो मेरे लिए गाना गाते हैं, आप सेंस समझ गए, वो मेरे लिए गाना गाते हैं, मतलब नेचर है उनका, जब मैं बोलता होगा वो गाते होंगे, गा देते होंगे, सही है। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनो, मैंने इसको एम्फेसाइज करना है, मैंने इसको एम्फेसाइज करना है, एम्फेसाइज कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मैंने इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक यहां पर ऑलवेज एडवर्ब का यूज कर लिया, दे ऑलवेज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, वो हमेशा मेरे लिए गाना गाते हैं, तो उस चीज में और क्या आ गई, स्ट्रॉन्ग फील आ गई, इसी चीज में ऑलवेज आने से और क्या आ गई, स्ट्रॉन्ग वे हो गया। स्ट्रॉन्ग वे का मतलब मेरे बच्चे हो जाता है और तरीके से और बेहतर, आपने चीज को एम्फेसाइज कर दिया, दे ऑलवेज हेल्प मी, वे हमेशा मेरी मदद करते हैं, दे हेल्प मी, वे मेरी मदद करते हैं, कुछ नहीं, वे मेरी मदद करते हैं, दे हेल्प मी,
इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे से बोलो, आपने बोला दे ऑलवेज हेल्प मी, दैट इज द डिफरेंस कि आप स्ट्रॉन्ग वे कैसे यूज करते हो और आप एक नॉर्मल वे कैसे यूज करते हो, दैट इज द डिफरेंस। सो ये डिफरेंस यहां हो जाता है, तो ऑलवेज यहां पर ये आ गया। ठीक है, चलो बातचीत को आगे समझते हैं, बातचीत को आगे समझते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मैंने बोला दे या हार्डली पहले नहीं लिख रहा, पहले मैं नॉर्मल सेंटेंस लिख देता हूं फिर आगे समझाता हूं। दे गो देयर, आपने सेंटेंस लिखा वे वहां जाते हैं। अब आपने यहां पर एक नई चीज यूज की, दे हार्डली गो देयर, दे बेयरली गो देयर, दे रेयरली गो देयर, दे सेल्डम गो देयर, दे ऑफन गो देयर, दे ऑलवेज गो देयर। आप देख रहे हो ये सारे के सारे मेरे बच्चे जो जितने भी ये आपके चोचले हैं, ये सारी की सारी एडवर्ब है, ये सारी की सारी एडवर्ब है। और ये सारी एडवर्ब क्या है मेरे बच्चे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारी की सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हुआ ना काम आसान? तो ये सारी की सारी नेचर बताती हैं और उस नेचर को, इस फ्रीक्वेंसी को और स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। ठीक है, तो इन सारी एडवर्ब्स को याद रखना जो भी अभी अभी मैंने आपको बोली, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया ऑलवेज, हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है मेरे बच्चे ऑलमोस्ट नेवर, बिल्कुल ही ना के बराबर, मतलब कभी कभी हो जाता है, ये हो जाता है सेल्डम, मतलब ऑलमोस्ट नेवर ही है, हो गया साल छह महीने में भाई साहब एक बार, तो ये चीज आ जाती है। ठीक है बेटा, हार्डली ना के बराबर, हार्डली ना के बराबर, बेटा हार्डली, बेयरली, रेयरली, तीनों सेम सेंस देते हैं, याद रखना हार्डली, रेयरली, बेयरली, यही लिख दिया। ऑफन आ जाता है, ऑफन हो जाता है कभी कभी, ऑफन नेगेटिव नहीं होता, ऑफन पॉजिटिव होता है बेटा, ऑफन नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव, ऑफन होता है कभी कभी, आई ऑफन गो देयर, कभी कभी जाता हूं मैं वहां। ठीक है, ये चीज आप यूज कर रहे हैं, ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है, रेयरली भी, बेयरली भी, हार्डली भी, ठीक है, हाँ स्केयर्सली भी, वो भी ना के बराबर होता है, तो ये भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है बेटा, ये भी नेगेटिव होता है, 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 बट ऑफन पॉजिटिव होता है क्योंकि इसका मीनिंग आता है बच्चे कभी कभी। अच्छा छुटकुर, नेवर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सारे का सबका मैंने नेचर भी आपको बता दिया। ठीक है, आसान, चलो जी, बहुत प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से आप इन चीजों का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर लेते हैं, तो सारे सेंटेंस तब भी सही रहेंगे क्योंकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे से आ जाते हैं, गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब इन पर बेस सर पेपर में कैसे एरर आ सकता है, इन पर बेस पेपर में एरर कैसे आ सकता है, अब वो देखते हैं, अब मैं आपको वो सिखाता हूं। ठीक है, आसान हुई यहां तक की भाषा, एक बार निहारो जरा एक मिनट के लिए, फिर मैं आगे की बातचीत करता हूं। ठीक है जी, एक विकास बच्चा है, बार बार पूछ रहा है सर यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होता है, बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ वाला भी आएगा आएगा आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जाएंगे कहां करण अर्जुन, यही है। ठीक है, वो भी आएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ का भी आएगा डियर, थोड़ी देर बाद मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान दो, अब उसी पॉइंट पर देख रहे हो, जो आपने ये सीखा है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ, इसी पर बेस्ड मैं आपको एक एरर करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसी पर बेस्ड एक एरर करा रहा हूं जिसमें मैं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन दोनों की लड़ाइयां करा देते हैं। ठीक है जी, और तुम लोग तो माहिर हो ही, इन दोनों की लड़ाइयां करा देते हैं और इनका कंपैरिजन करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ये है जी अब हमारा
उससे अगला पॉइंट, उससे अगला कॉन्सेप्ट बोल दो या कुछ भी बोल दो, आप इसको भी कॉन्सेप्ट बोल के चल सकते हो अपना, कि इस कॉन्सेप्ट में भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, यही कर लो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस की लड़ाइयां कराते हैं। ठीक है, और लड़ाइयां किसके हिसाब से, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, दो सेंटेंस लिख रहा हूं, दो सेंटेंस कैसा है, मैंने लिखा आई, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, आई ऑलवेज टेक टी। ठीक है, आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग। मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया और मैंने एक सेंटेंस लिखा आई ऑलवेज, इसको ऐसे कर लेते हैं, आई एम ऑलवेज टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, एक सेंटेंस लिखा बेटा, तभी तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में दोनों टेंसेज की लड़ाइयां होंगी ना। दोनों सेंटेंसेज आपके पास हैं, दोनों का मीनिंग समझो, अपने आप एरर समझ जाओगे, दोनों का मीनिंग समझो, अपने आप एरर समझ जाओगे। चाय पिएगा कोई? नहीं, ठीक है भाई, मत पियो, ठीक है भाई। बताओ बच्चे, क्या है दोनों में डिफरेंसेस, क्या है दोनों में डिफरेंसेस, दोनों में डिफरेंसेस है। देखो सर, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं, मतलब डेली सुबह पीता हूं, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे बनाने के लिए मैंने ऑलवेज बोल दिया, तो ऑलवेज ने उसको क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग वे। अभी भी पढ़ाया था ना डियर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, तो स्ट्रॉन्ग वे कर दिया। सही है सर, पहला सेंटेंस सही हो गया, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, सही है। आपने और ज्यादा क्या कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, अब मैंने आपको क्या बोला, आई एम ऑलवेज टेकिंग टी। अब एक बात को समझो, लड़ाइयां पता है क्या है, लड़ाइयां ये हैं, एक आपके पास ऑलवेज है, एक आपके पास ऑलवेज है, ठीक है, दूसरा डियर आपके पास जो है एम है और टेकिंग है। ठीक है, इसका नेचर अलग है और इसका नेचर अलग है। आई एम टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, ठीक है, सपोज आप ये सेंटेंस लिख रहे हो, आई एम टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, और एक आप लिख रहे हो आई एम ऑलवेज टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और इस सेंटेंस को और छोटा कर देता हूं ताकि अभी सिचुएशन से रिलेट हो जाए, इसको और छोटा कर देता हूं, जानबूझ के छोटा कर रहा हूं, इतना ही कॉपी करना है, इसको छोटा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं एक काम करता हूं अभी रिलेट कर लेता हूं इसको, ध्यान से सुनो, आई एम ऑलवेज टेकिंग टी, और ऊपर को भी छोटा कर दो, ये लो इतना ही सेंटेंस लिख लो बस, ताकि ये मैंने जानबूझ के इन द मॉर्निंग हटाया ताकि मैं अभी का समय ले पाऊं। ठीक है, ध्यान से सुनो, आई ऑलवेज टेक टी, आई टेक टी मैं चाय पीता हूं, आई ऑलवेज टेक टी मैं हमेशा चाय पीता हूं, इसका मतलब आपने उसको क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। चलो पहला सेंटेंस सही हुआ, आई एम टेकिंग टी और आई एम ऑलवेज टेकिंग टी, दोनों में दिन रात का फर्क है, ऑलवेज कुछ और कहती है एडवर्ब और आई एम टेकिंग टी कुछ और कहता है। अच्छा, आई एम टेकिंग टी का मतलब क्या हुआ, आई एम टेकिंग टी का मतलब क्या हुआ, दो सेकंड के लिए मानो ऑलवेज वहां नहीं है, आई एम टेकिंग टी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो जरा बच्चे, इस बात का मतलब क्या हुआ, सपोज करो मेरे हाथ में टी है, देख पा रहे हो भाई साहब ये टी है, मैं कह रहा हूं आई एम टेकिंग टी, यही तो मतलब हुआ। मैंने बोला आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, आपने बोला क्या हो गया, कहता राइट नाउ आई एम टेकिंग टी, समझ रहे हो भाई, बहाने बहाने से चाय भी होगी मेरी, आगे देखो, और मैं कह रहा हूं हमेशा। अच्छा, हमेशा का मतलब क्या होता है, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, अरे हमेशा तो मतलब आज भी, कल भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, पास्ट में भी रहा होगा, ऐसा ही तो भाई, पास्ट में भी रहा होगा, प्रेजेंट में भी चल रहा, आगे फ्यूचर में भी होगा, ये चल रहा है, तो यार कॉन्टिन्यूस कह रहा है अभी पी रहे, चलो बहाने से खत्म होगी चाय, अब आगे देखो, तो आई एम टेकिंग टी कह रहा है अभी चाय पी रहा है, और ऑलवेज कह रहा है हमेशा हमेशा हमेशा, यार ऑलवेज कुछ अलग बात कर रहा है, आई एम टेकिंग अलग बात कर रहा है, तो एक बात बताओ, क्या ये एडवर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सूटेबल है, नहीं,
इसने बोला यार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सूटेबल है, बट ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सूटेबल नहीं हो रही, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस बताता है ऑन गोइंग प्रोसेस जो अभी चल रहा है, ठीक है, और ये बताती है जो भाई साहब पहले भी था अब भी है आगे भी रहेगा, तो ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, तो यार ये आने वाला सेंटेंस तो बकवास हो गया, भाई साहब कुछ कह रहे हैं तो ये आने वाला सेंटेंस गलत हुआ, तो इसमें ऑलवेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने बोला सर ऑलवेज को काट दो, अरे हमने बोले यार ऑलवेज तो आप लाए थे एम्फेसाइज करने के, हाँ तो बेटा फिर ऑलवेज को मत काट, सेंटेंस को करेक्ट कर, आई एम ऑलवेज टेकिंग डी नहीं आई ऑलवेज टेक डी, इस तरीके से एरर आप पेपर में निकालोगे, ठीक है। तो ये तरीके से आपको चीजों को सीखना है, जब आप इस तरीके से चीजों को पैटर्न को अप्लाई करोगे तो सारी चीजें समझ आएंगी, और बच्चा ना रट लेता है, पता है कैसे रटता है, ऑलवेज नेवर सेल्डम रेयरली बेयरली स्केर्सली ऑफन, ठीक है, समटाइम्स, जब ये आपके पास शब्द हो तो इन शब्दों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल ना करें, स्वाहा, रूल नंबर 331 धारा नंबर 332 के तहत ऐसा होता है, कहता है क्यों होता है, कहता मुझे नहीं पता मैं अंधभक्त हूं, ये पागलपन है, ये सरासर पागलपन है। आप चीजों को जान लो, आप चीजों को जान लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, तो ये गलत हुआ सरासर और वो चीज सही हुई। क्या ये किसके साथ होगा, ये सारी सारी चीजों के साथ होगा ना भाई, आप कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करो ये तो सबके साथ ऐसा होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, मैंने बोला दे आर नेवर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर मी, एक बात बताओ बेटा यहां पर जरा चर्चा को सुनो, नेवर और आर सिंगिंग, ठीक है, दोनों में दिन रात का फर्क है, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर मी मतलब राइट नाउ दे आर स्टैंडिंग बिफोर मी एंड दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर मी, दैट इज द ऑन गोइंग प्रोसेस, ये बेटा एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो अभी चल रही है, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर मी, वे मेरे लिए गाना गा रहे हैं, तो अभी खड़े होंगे गाना गा रहे हैं। और नेवर क्या कहता, कभी नहीं गाते, नेवर बात करता है बिहेवियर की जो पास्ट में भी था प्रेजेंट में भी था हर समय पर था, और यहां पर बेटा आर सिंगिंग मतलब अभी चल रहा है, तो ये हमेशा की बात कर रहा है, कभी नहीं गाते, ये कह रहा अभी गा रहे, तो लॉजिकल हो जाएगा, तो दे नेवर सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, वो मेरे लिए कभी गाना नहीं गाते, तो ये बिहेवियर सही होगा। तो याद रखना जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अभी के लिए ये समझो बच्चे, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसमें आप दो टेंस लिखने की कोशिश करते हो, एक आप लिखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसके साथ वो चीज बिल्कुल जो है फिट चलती है, और एक आप लिखते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उनके साथ सुटेबल नहीं होता, समझ रहे हो, सबके साथ जो भी मैंने अभी फ्रीक्वेंसी की लिखवाई थी ना आपको एडवर्ब्स, उन सबके साथ ही ऐसा है मेरे बच्चे, उन सबके साथ ही ऐसा है, चीज समझ आई पक्का से, तो इस तरीके से आप चीजों को डेवलप कर लोगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हो गया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो बच्चे अब हम कल बात करेंगे, कल सैटरडे संडे है, दोनों दिन ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे का बैच है बेटा, मंडे को हम बातचीत करेंगे, तो अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी, मंडे तक आपके पास जो है वोकैब की पीडीएफ्स आपके पास नोट सेक्शन में शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मैं उनको मंडे को बताऊंगा आपको कैसे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे वोकैब की, और फिर मंडे से हम जो है वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस में भी जुट जाएंगे, ठीक है। सो मंडे को फिलहाल आपको आना है बेटा, कल परसों ऑफ है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया वो फटाक से एडमिशन ले, एडमिशन बस दो दिन में क्लोज होने वाले हैं, सो जो भी यूट्यूब पर जुड़े हैं या ऐप पर भी जो आज फ्री ले रहे हैं, ये लास्ट फ्री क्लास थी बेटा, मंडे से कोई डेमो नहीं है, सिर्फ मंडे को ऐप जो है हमारी ऐप पर ये क्लास चलेगी और पेड स्टूडेंट के लिए चलेगी, तो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है मेरे बच्चे फटाक से अपना एडमिशन लो, और चीजों को सीरियस तरीके से माँ सरस्वती का नाम लेकर बैठना कि हे माँ मैं ध्यान से पढ़ूंगा, बेटा मखोलबाजी वाला कोई भी बच्चा मेरे पास एडमिशन ना ले, वो कैंडिडेट एडमिशन ले, वो स्टूडेंट एडमिशन ले जो सच्ची आत्मा के साथ सच्ची लगन के साथ पढ़ना चाह रहा है और चीजों को सीरियस तरीके से पढ़ेगा। तो बेटा मंडे को मुलाकात करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शट डाउन।